आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह बने बिहार विधानसभा के नए सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। राजद के 3 विधायकों ने थामा जेडीयू का दामन, बिजेंद्र यादव ने पार्टी में किया स्वागत। मंगल पांडे का नेता प्रतिपक्ष पर बड़ा हमला, कहा तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच बांट रहे घोटाले वाला पैसा। जेडीयू नेता अजय आलोक ने श्याम रजक को बताया फ्यूज ट्यूबलाइट, कहा इसके चक्कर में कहीं बचा खुचा तेल भी खत्म ना हो जाए। बारामूला में आतंकी हमले में रोहतास के खुर्शीद खान शहीद, गांव में पसरा मातम। औरंगाबाद में राजद नेता राम नरेश सिंह का आकस्मिक निधन, पार्टी में शोक की लहर। बिहार में कोरोना से 5 लोगों की मौत, 24 घंटे में ठीक हुए 4140 मरीज। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, किशनगंज से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि कार्रवाई किस मामले में हुई है। छात्र जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति गुलाबचंद राम जायसवाल के ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश के कुलपति रहते हुए विश्वविद्यालय कोष से छेड़छाड़ कर मोटी रकम गबन करने का आरोप लगाया गया है। गोपालगंज में बच्चे की चाकू गोदकर निर्मम तरीके से हत्या करने के आरोपी 2 महिलाओं को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दोनों महिलाओं को एडीजी 4 कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। विजयपुर के चिनौता में 2017 में बच्चे की चचेरी चाची और दादी ने हत्या कर दी थी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम जारी रहेगी। सुशांत के भाई नीरज बबलू और उनकी भाभी नूतन सिंह ने आज एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की है। पटना स्थित एसके पुरी आवास पर इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान नीरज बबलू और उनकी पत्नी ने चिराग पासवान का आभार जताया। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की खबरों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने 2 टूक बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन को छोड़कर किसी भी अन्य विकल्प की तरफ से आगे बढ़। बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सरकार ने किया ऐलान। नवादा के सांसद ने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का किया शिलान्यास, बोले हर वादा पूरा करूंगा। पटना में चावल को लेकर डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन ने किया हंगामा, थानेदार से लेकर पुलिसकर्मी तक रहे परेशान। मोतिहारी में उग्र भीड़ ने थाना पर किया हमला, कई गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बिहार में 2525 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,06,618 हुई। झारखंड के सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट पर लगा ताला, 3,500 कर्मचारी हुए बेरोजगार। श्याम रजक की घर वापसी से गदगद दिखे तेजस्वी, कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तिहारी में थाना के हाजिर से अपराधी ने जमादार को दी धमकी, जिस दिन छूट गए AK-47 से कर देंगे छलनी। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।